बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टूल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के भी देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए हम लेके आए हैं फिजिक्स का पेपर 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप बस इतना ही पढ़ लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बस आपकी बार होगी बीएससी बार, सबसे ऊपर टॉप 10 में आना है आपको, क्योंकि वही तैयारी करनी है, उसी तरीके से तैयारी करनी है। नोट्स बिल्कुल शॉर्ट मिलेंगे, बस एक बार पढ़ने मात्र से ही आपको याद हो जाएंगे। तो बस अभी जाइए नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर। आपका भाई बहन भी हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एनीवे किसी में है तो उन्हें, या फिर आप टैट, सुपर टैट, या फिर पैट की, जो अभी इंटर के बाद हमने पैट का फॉर्म फिल किया होगा नेकपाल के लिए, तहसीलदार के लिए, कानीगोए के लिए, जो पैट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, UP SSC के अंतर्गत आएंगे, तो आपने बुक किया है तो आप हमारी बुकों को, नोट्सों को ले सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में है, आप उनके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, समझिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और पास हो जाइए, ठीक है, आप किसी भी वर्ग से हैं। अब यहाँ बात करने वाले हैं ये फिजिक्स के पेपर के बारे में। चलो स्टार्टिंग करते हैं और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टच करिए paperhacker.in पर और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ये क्या है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ये क्या है, फिजिक्स, फिजिक्स का पेपर है और कौन सा है, 2022 का न्यू मॉडल पेपर। कौन सा बेटा, न्यू मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर, चलो पेपर लीक कह सकते हैं 2022 का, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। चलो अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन है शून्य का नियम, पढ़ लेना बेटा, कौन सा, ऊष्मा गतिकी के शून्य का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम नियम और तृतीय नियम, ये तीन नियम मैं आपको यहां बता रहा हूं। सेकंड नियम को इतनी मान्यता नहीं दे रहा हूं क्योंकि सेकंड नियम ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैंने यहां सब इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि इतने नियम होते हैं और आपको पढ़ने कौन कौन से हैं, शून्य नियम, प्रथम नियम, थर्ड नियम, बस खत्म, बाय बाय टाटा कर दो, और पेपर में आपको वही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं। चलो उसके बाद में आपको क्या करना है, सी, देखो सी पी और सी बाई के बीच में संबंध क्या होता है, पढ़ लो, ये क्वेश्चन किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा, ये क्वेश्चन किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा। चलो मैक्सवेल में संबंध आपको बताना है, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल की जो समीकरण थी, मैक्सवेल की समीकरण, समीकरण कह सकते हैं इसको, समीकरण थी मैक्सवेल की, उस समीकरण का वर्णन कर देना है। इसको देखो, ये क्वेश्चन कौन है, ये कौन सी क्वेश्चन है, ये है कार्नो की प्रमेय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्नो की प्रमेय, मैक्सवेल में संबंध, इन दोनों में संबंध भी पूछेगा एक साथ, तो ये लॉन्ग बनेगा, अलग अलग पूछेगा तो शॉर्ट बनेगा, बात खत्म, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को इसको देख लेना, आंतरिक ऊर्जा जो होती है, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं इसको, ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा, एक बार पढ़ लेना याद हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट में हमने अपने नोट्स में दे रखा है, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ लो बेटा, नोट्स को डाउनलोड कर लो paperhacker.in पर जाकर। ये क्वेश्चन बटेक लगाएंगे, जूल थॉम्सन इफेक्ट, ये क्वेश्चन आपको जो बनने वाला है ये लॉन्ग बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ जो आप देख रहे हैं एक समीकरण है, ये काफी पॉपुलर है और कई बार पूछी जा चुकी है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा पेपर में, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को रट के जाएंगे एग्जाम से पहले, आपको केवल बताए जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपते होंगे, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले जैसे ही आपकी स्कीम आती है आप हमें अवगत कराइए कि सर मैं इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरी स्कीम ये आ चुकी है, और सर आप इसके ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए, कल परसों मेरा पेपर है, तो उसको उसी हिसाब से मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा। यहाँ ध्यान से ध्यान रखना, जूल थॉमस इफेक्ट को पढ़ लिया, इसको देख लो, कॉलियस कोलिबेरॉन की समीकरण आपको पढ़ के जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैक्सवेल का नियम मैंने आपको बताया था, मैक्सवेल की समीकरण ऊपर जो बताई थी वही आपको यहाँ लिख देना है, मैक्सवेल के नियम, मैक्सवेल की समीकरण एक जैसी होती है, वही आपको करेंगे। और यह है विकर्णक सिद्धांत, देखो ये देख रहे हैं ना, ये है विकर्ण का सिद्धांत, ठीक है, विकर्ण का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे हम ब्लैक बॉडी विकर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या है, प्लैंक का नियम आप पढ़ के जाएंगे और स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनेंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लॉन्ग और शॉर्ट कहीं भी बन सकता है लेकिन बनेगा जरूर, ये क्लियर हो गया। मान लीजिए लॉन्ग में बनेगा तो ये दोनों एक साथ नियम पूछ लेगा ए और बी करके, कहेगा भैया एक क्वेश्चन है निम्न के आंसर दीजिए, नंबर एक और नंबर दो, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, कहेगा इन तीन चार पूछेगा और आपसे कहेगा तीन क्वेश्चनों के आंसर दे दीजिए, तो यही रहता है, बाकी कुछ नहीं होता, शॉर्ट से ही लॉन्ग बनते हैं, इस बात को याद रखना है आपको। उसके बाद में क्या है, देखो जो नॉर्टन की प्रमेय देख रहे हैं आप ना, ये वाली, इसको आपको देखना है, बितना इसको छोड़ दीजिएगा, आदर्श गैस का जूल का नियम आपको पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा बेटा, ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा, इस बात को भी आपको याद रखना है। चलो उसके बाद आपको कौन सा है, देखो यहाँ आपको
ये जूल का नियम आपका हो गया क्लियर। उसके बाद में है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय व्यतिक्रम, इसको छोड़ दीजिए। अब समतापी रुद्धोष्म व्यतिक्रम, इसको देखिए समतापी रुद्धोष्म व्यतिक्रम क्या होता है, इसके यहाँ पे याद करके जाएंगे। जूल थॉम्सन प्रसार क्या होता है, जूल प्रसार क्या होता है, जूल थॉम्सन प्रसार क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार क्या होता है। ये जो प्रसार आप देख रहे हैं ना, तीन जो प्रसार मैंने आपको दिए, यहां से दो प्रसार या एक प्रसार 100% बनेगा। आप यूपी के नहीं, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबके लिए सेम है सिलेबस, कतई लगना है, समझ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह का इतना भी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जो सेमेस्टर वाइज हो गया उसकी बात करना है। मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के बारे में बता चुका हूं ऊपर, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के बारे में पढ़ लेना, काफी इंपोर्टेंट है। बाकी चालन विज्ञान को छोड़ देना, कार्बन चक्र को छोड़ देना। देखो स्टीफन नियम सूर्य के ताप पर ज्ञात करो, स्टीफन का नियम जो था द्वारा सूर्य का ताप आप कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई सूरज का कितना ताप है, कितना गर्म है, बताओ टेम्परेचर कितना है, स्टीफन के नियम द्वारा आपको करना है, ठीक है, ये आप बताइए। उसके बाद में क्या है, विन रेले और जीन के नियम की विफलता, इसके बारे में पढ़ लेना, ये शॉर्ट में बनेगा, ठीक है। उसके बाद में है प्रतिवर्ती क्रिया जम संतुलन की अवस्थाओं के बारे में, इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, खत्म करो। और ये क्या है, अर्धचालक किससे क्या होता है, और शुद्ध वाह। देखो अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं, अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है शुद्ध, एक होता है वाह अर्धचालक। दोनों अर्धचालक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, चलो। उसके बाद में कौन से याद करेंगे, एनपी संधि डायोड, एनपी संधि डायोड क्या होता है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लक्ष्य इसको छोड़ दीजिएगा, देखो यह दृष्टिकरण किसे कहते हैं, सेतु दृष्टिकरण, सेतु दृष्टिकरण को पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और लोड रेखा, लोड रेखा देखो मल्टीमीटर को पढ़ लेना, मल्टीमीटर आप जानते हैं जैसे हम लाइट चेक करते हैं मल्टीमीटर, सभी चीजों को वो चीज है, मल्टीमीटर किस तरीके से होता है, देखो ध्यान रखो इस तरीके से आपको इमेज बनानी, इमेज हर उसमें बनानी है जो आपको लगता है। यहाँ तीन होस लगा देना, यहाँ एक रोटरी लगा देना, रोटरी घुमाने के लिए, और यहाँ एक क्या है डिस्प्ले लगा देना, यहाँ आप वोल्टेज, यहाँ एम्पियर इस तरीके से नोट कर देना, ये W लिख देना, एक पर B लिख देना, एक पर, ठीक है, इस तरीके से एगस्ट्रॉन ओम वगैरह सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया मल्टीमीटर, यहाँ से दो पिलो को निकालना, इसको एक रेड कर देना, ये रेड हो जाएगा, ये ब्लैक कर देना, बस ये हो गया मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर के बारे में आप बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, काम हो जाएगा, नंबर पूरे देगा, समझ रहे ना। ये तरीके होते हैं कुछ नंबर लेने के एग्जामर से, जबरन, जबरन का मतलब जानते हो, जबरिया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना होगा। और बस अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। लास्ट में आपको क्या पढ़ना होगा, एलईडी की संरचना, एलईडी आप जानते हैं, एलईडी ये मत पढ़ लेना कि ये टीवी वाली एलईडी, भैया मैं देख रहा हूँ बहुत चित्र बना दो, नहीं, एलईडी हमसे पूछी गई ये वाली एलईडी जिससे हम लाइट जल रही है, जो लाइट जल रही है वो एलईडी जो फोकस देती है उस एलईडी की बात की गई है, वो एलईडी क्या होती है, ठीक है। फिल्टर परिवर्तन क्या, परिपथ क्या होता है इसको देखनी है। निज और बाहर चालक देखो हटाओ, निज और अर्धवाहक अर्धचालक को शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, जो ऊपर मैंने बता चुका है, बात खत्म करो। ऊर्जा बॉन्ड संरचना के बारे में पढ़ लेना, एनपी संधि डायोड की समीकरण ऊपर बता चुका हूँ, बात खत्म करो, ठीक है। आरसीएन परिपथ को छोड़ देना, ये बताओ किरचॉफ के नियम को पढ़ लेना, विद्युत परिपथ नियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किरचॉफ के नियम। मल्टीमीटर ऊपर बता चुका हूँ, इसको हटा दीजिए, आज को हटा दीजिए। फर्मी ऊर्जा को पढ़ लेना, ठीक है। और एल देखो सी आर और एल आर जो परिपथ होता है उसके नेतांक को यदि पूछ ले तो पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना, हटाओ, बात खत्म, हो गया बात खत्म। चलो अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट कर लिए, सब कुछ पढ़ लिया, कोई दिक्कत किसी को तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो पहले तो, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और बाकी जो भी आपका टाइम टेबल आता है वो सबसे पहले मुझे शेयर करो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट मिनट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय बाय।